वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 9 है मैडम राइड द बस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वल्ली का फेवरेट पास टाइम था अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाना और बाहर देखना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी बस आ रही है, क्या आ रही है, मतलब ये। सो आंसर देखिए, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग एट द डोरवे, देख रहे हो दरवाजे पे खड़ी है, एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या हो रहा है वो सब देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली को किस चीज से बहुत ज्यादा मजा आता था, खुश होती थी जब वो खड़ी होती थी तो उसके घर के बाहर से एक बस निकलती थी, बार जब भी वो बस निकलती थी उसको बहुत ज्यादा मजा आता था उसको देख के। व्हाट वॉज हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर ये थी कि भाई वो भी किसी दिन बस में ट्रेवल करे। तो आंसर देखिए, द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, वो वाली बस जो उसके गांव से लेके टाउन के तक चलती थी, आती थी, जाती थी, जब भी वो उसको देखती थी, वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। देखो ये मैंने ब्लू से लिखा है, पूरा मैंने यहां से उठाया है, वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस, उसका मन था कि भाई मैं भी इस बस में एक बार सफर करूं। वॉट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, तो बस जर्नी के बारे में उसे क्या पता चला, उसको दो बातें पता चली कि भैया गांव से लेके और टाउन तक पहुंचने में 45 मिनट्स लगते हैं, दूसरा उसको ये पता चला कि एक साइड का जो किराया है 30 पैसे है। हाउ डिड शी फाइंड दीज डिटेल्स, कैसे पता करी उसने ये डिटेल्स, लोगों से बात करके। अब आंसर देखो, वल्ली फाउंड द फॉलोइंग डिटेल्स, नंबर 1, बस टुक 45 मिनट्स टू रीच टाउन फ्रॉम विलेज, अभी मैंने बताया टाउन से लेके विलेज तक या विलेज से लेके टाउन तक पहुंचने में 45 मिनट्स। द फेयर मींस किराया जो था 30 पैसे था एक साइड का। She found these details by listening the conversations of her neighbor. उसने अपने पड़ोसियों से बात करके, उनसे पूछ के ये सारी information पता करी कि भाई कितना time लगता है, कितने पैसे लगते हैं, कितने बजे चलती है। What do you think Valli was planning to do? आपके हिसाब से Valli क्या plan कर रही थी? Valli was planning to go to the town and then return back by the same bus. बस Valli ये चाहती थी किसी भी तरह से मुझे इस बस में travel करने का मौका मिले, तो वो ये plan कर रही थी कि मैं इसी बस से town जाऊं और उसी बस से वापस आ जाऊं। She plans that if she picks 1 PM bus, she would be back by 2:45 PM. वो प्लान करती है अगर मैं दोपहर में 1 बजे वाली बस ले लूं तो 2:45 तक वापस आ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चिल्ड्रन। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, वल्ली को मैडम क्यों कहता है, क्योंकि वल्ली ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी औरत है। द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव लाइक अ वुमन, एक बड़ी औरत की तरह। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प, जब उसने अपना हाथ बढ़ाया था कि भाई अंदर चढ़ जाओ तो भी मना कर देती, मैं अपने आप चढ़ जाऊं, एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स, और जो भी उससे क्वेश्चन पूछ रहा था या कंडक्टर पूछ रहा था बहुत जल्दी जल्दी आंसर देती थी टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस। व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ, वो जब बस में, ये देखो ये वल्ली बैठी हुई है, तो वल्ली क्योंकि हाइट उसकी कम थी, छोटी बच्ची थी, तो वो बाहर देखना चाहती थी, तो बाहर उसे नहीं दिख रहा था तो वो खड़ी हो जाती है ताकि बाहर का नजारा देख सके, ठीक है, और वो अब क्या क्या देखती है वो हमें बताना। वल्ली स्टूड अप ऑन द सीट बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर देखना चाहती थी, सी मीन्स देखना आउटसाइड में, अब वो क्या देखती है, सी सॉ अ कैनाल, कैनाल मतलब नहर, पानी का जो स्रोत होता है, पाम ट्रीज देखे उसने, घास देखी, माउंटेन्स देखे, ग्रीन फील्ड देखे, स्काई देखे, ये सब उसको बाहर दिखाई देता। वॉट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन वेन ही calls her a child, जब एक बूढ़ा आदमी उसको बच्चा कहता है तो वो क्या कहती है, वल्ली replied that there was nobody in the bus who was a child, वो गुस्से में जवाब देती है यहाँ पे कोई बच्चा उच्चा नहीं है, मैंने भी अपने पैसे दिए, वल्ली replied कि पूरी बस में कोई भी बच्चा नहीं है।
Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? एक बूढ़ी औरत उसके बगल में आके बैठ जाती है, वो उसके साथ क्यों अच्छे से बात नहीं करती, क्यों उसके साथ घुलना मिलना नहीं चाहती? क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी बीटल नट खा रही थी, सुपारी बोलते हैं इसको, अगर आपने देखा होगा कुछ लोग खाते रहते हैं पान गुटखा सा, और उनका जो ये जो चीज है वो मतलब ऐसा लगता है कि धूप निकलने वाला है तो बड़ा गंदा सा लगता है, तो इस वजह से वो उसको भी बहुत गंदा लगता है, वो रिपल्सिव फील करती है और वो उसके साथ फ्रेंडली होना नहीं चाहती। Valli did not want to make friends with the elderly woman. पूरा मैंने क्वेश्चन से उतारा इतना, because her mouth was full of betel nut. मजा आ गया, छोटा सा आंसर है, क्योंकि उसका पूरा मुंह भरा हुआ था betel nut से उस old lady का। How did Valli save money for her first journey? पहली जर्नी के लिए पैसा कैसे बचाया? Was it easy for her? क्या ये उसके लिए आसान था? Valli saved all her pocket money for her bus journey. जो भी pocket money बच्चों को मिलती है ना, तो उसने वो सारे पैसे बचाए। She stopped buying toys. उसने सब कुछ खरीदना बंद कर दिया, ना टॉयज खरीदती थी, ना टॉफीज खरीदती थी, ना बलून खरीदती थी, जो भी बच्चे छोटे बच्चे खरीदते हैं। क्या ये उसके लिए आसान था? No, it was not at all easy for her. बिल्कुल भी आसान नहीं था। What did Valli see on her way that made her laugh? उसने क्या देखा जब वो बस में जा रही थी, जिसकी वजह से उसने देखा कि रास्ते में एक गाय आ गई है, और जो ड्राइवर साहब है जितना ज्यादा वो हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो जो काव है होपलेस हो रही है और इधर उधर भाग रही है, और इस फनी सीन को देख के वो हंसने लगती है। Valli saw a cow in the middle of the road. ये देख रहे हो, ये काउ है जो उसने बीच में काउ देखी। When driver honked to put her aside, जब ड्राइवर ने हॉर्न बजाया बार बार उसको साइड में करने के लिए, इट स्टार्टेड जंपिंग एंड रनिंग, तो इस काउ ने क्या किया, जंप करना शुरू कर दिया और भागना शुरू कर दिया इधर उधर। Valli laughed at this funny scene, और इस फनी सीन को देख के Valli हंसने लगी। Why didn't she get off the bus at the bus station? जब बस विलेज से फाइनली टाउन में पहुंच गई तो वो उतरी क्यों नहीं? Valli's plan was only to ride the bus. भाई उसके पास केवल 60 ही तो पैसे थे, 30 पैसे आने के और 30 पैसे जाने के, ठीक है, तो उसका प्लान केवल बस में सफर करने का था। She had no wish to explore town. उसका कोई मन नहीं था कि वो टाउन में जाए विजिट करे। That's why she didn't get off the bus at the bus station. आप चाहो तो इसमें ये वाली बात भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके पास 60 पैसे ही थे, या वो छोटी थी, या उसको डर भी लग रहा था अकेले जाने में। Why didn't Valli want to go to the stall have a drink? What does this tell you about her? आपको ने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता है जब बस रुक जाती है तो कंडक्टर उससे कहता है कि चलो तुम भी घूम लो, तो वो कहती है मुझे घूमना नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, तो कंडक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक दिलवा देता हूँ, तो वो मना कर देती है। तो इस वाली बात से हमको ये पता चलता है कि भले से वो छोटी थी लेकिन वेल मैनर्ड थी। देखिए आंसर, Valli didn't have enough money and when the conductor offers her a drink from his side, she says no for it. ना तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो बाहर उतर जाए कोई चीज खरीद पाए, क्योंकि वो 30 पैसे आने के लाई थी और 30 पैसे जाने के, टोटल उसके पास 60 ही पैसे थे। सेकेंडली, जब कंडक्टर कहता है चलो मैं अपनी साइड से पिला देता हूँ, मेरी तरफ से हो जाएगी ये पार्टी, तो वो मना कर देता, और इस बात से हमको ये पता चलता है वो कोई लालची नहीं थी और उसमें वेल मैनर्ड थे, है ना। जब हम स्ट्रेंजर हमें कोई चीज ऑफर करते हैं खाने के लिए पीने के लिए तो हमें नहीं लेना चाहिए। What was Valli's deepest desire? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Valli's deepest desire was to ride the bus. बस में सवारी करना था। Find the words and phrases in the story that tell you this. कौन कौन से वर्ड से हमें पता चलता है? अब देखो, the words and phrases that tell us the story are source of ending joy and stare wistfully. ये दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं इस चैप्टर में, कि उसको अनएंडिंग जॉय मिलता था, उसको बड़े ध्यान से देखती रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट, How did Valli plan her bus ride? उसने अपनी बस राइड कैसे प्लान करी? Valli planned her bus ride carefully, बहुत ज्यादा ध्यान से, and by collecting all her pocket money, जितनी भी पॉकेट मनी उसको मिलती थी सबको बचाती थी for the bus fare. What did she find out about the bus? बस के बारे में उसको क्या पता चला? ये वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 45 मिनट्स लगते थे और 30 पैसा लगता था एक साइड। Why does the conductor refer to Valli as madam? ये हम already ऊपर कर चुके हैं, वो madam क्यों कहता है उसको? Next, find the lines in the text which tells you that Valli was enjoying her ride. अब हमको chapter में से वो lines बतानी है जिनसे पता चलता है कि भाई Valli जो है अपनी जो bus journey enjoy कर रही थी। देखो, एक तो ये वाली line आई है, Valli devoured everything with her eye, हर चीज को घूर घूर के देख रही थी। On one side there was canal, जब वो बाहर देखती है खिड़की से तो उसको नहर दिखाई देती है, पाम ट्रीज दिखाई देते हैं, ग्रास दिखाई देती है, माउंटेन्स दिखाई देते हैं। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली Valli टू जॉइन द लाफ्टर, जब बस में समझते तो वो भी हंसती, तो इन सब बातों से पता चलता है उसको मजा आ रहा था।
Why does Valli refuse to look out of the window on her way? जब वो वापस आ रही थी तो खिड़की से बाहर देखना बंद क्यों कर देती है मना? While coming back, Valli sees the dead cow on the road. वो देखती है वो ही cow जो अभी थोड़ी देर पहले जिंदा थी, इधर उधर घूम रही थी, lively लग रही थी, वो अब मरी पड़ी है. This saddens her. इससे वो दुखी हो जाती है. इसलिए वल्ली रिफ्यूज कर देती है बाहर देखने के लिए. चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. वल्ली सॉ अ डेड डैश ऑन द रोड. वल्ली ने आते वक्त एक मरा हुआ क्या देखा था? काउ देखी थी, डॉग देखा था, गोड देखा था या नन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कॉमेंट सेक्शन में. चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.